सो जब भी आप एक मोटरसाइकिल बाय करते हो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसमें से एक है कि शोरूम में क्या फील होने वाला है और किस तरह के शोरूम में आपको किस तरह की मोटरसाइकिल मिलने वाली है। तो शुरू में आपने देख लिया कि वी आर एट यामाहा ब्लू स्क्वायर शोरूम, जो कि एक्सक्लूसिव शोरूम है फॉर यामाहा प्रीमियम मोटरसाइकिल और कुछ और चीज़ें। तो आज हम लोग एस जी हाईवे वाले एक शोरूम पे आए जो नया ही खुला है ब्लू स्क्वायर का, और अहमदाबाद का सबसे गुड लुकिंग मुझे अब तक ये शोरूम लगा है। सो चलो फटाफट से मैं आपको शोरूम टूर करवा दूँ और क्या क्या मिलेगा ब्लू स्क्वायर में वो सारी चीज़ें दिखा दूँ। आ जाओ। ओके गाइस, सो यस, दिस इज़ दी यामाहा ब्लू स्क्वायर शोरूम। सो मैं ब्लू स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी आगे के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैं बेसिक ब्रीफ कर दूँ आपको। सो बेसिकली ब्लू स्क्वायर जो होता है यामाहा के कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो कुछ बाइक्स भी है कुछ प्रोडक्ट्स भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में भी आपको दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ यामाहा के टाइमलाइन की बात करूँ या फिर उनके व्हीकल्स या प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो आपको यहाँ स्कूटर से लेके मोटरसाइकिल तक सब कुछ मिल जाएगा। तो बाइक्स के अंदर आपके पास जस्ट लाइक दिस MT15 हो गया, यहाँ पर आपको MT3 मिल रहा है, R15, R15M, FZ, FZX, वो सारे के सारे बाइक्स ब्लू स्क्वायर पे लाइव अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर प्लेसमेंट भी आपको उन सारे के सारे व्हीकल्स की मिल जाती है। सो यस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले हम देखते हैं ये वाला बाइक। सो यस, दिस इज दी MT3। एज यू ऑल नो, इसका एक वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो दिस इज दी पैलेट ट्विन इंजन, एज यू ऑल नो दिस इज दी MT3। MT15 का अपर वर्जन, तो जो R3 है ये उसी का नेकेड वर्जन है। उसके अलावा यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज दी R15M एंड दिस इज द लिमिटेड काइंड ऑफ बाइक, ब्लू एलॉयज एंड द सिल्वर बॉडी। सो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला बाइक एज यू कैन से। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस लाइनअप की बात करें तो बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ पर। MT15 एज यू कैन सी द कलर्स आर वेरी अमेजिंग, द ऑरेंज एलॉयज। हेयर इज दी अनदर MT, और इसका मुझे ये वाला लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इट लुक सो अमेजिंग। ये कलर काफ़ी कैंडी कलर यू कैन से, राइट। सो MT15 का अगर आपने आवाज़ नहीं सुना है तो मैं आपको वो एक बार सुना देता हूँ। सो दिस इज हाउ दी बाइक साउंड्स ऑन आइडल। नाउ थोड़ा सा रेव अप करते हैं और चेक करते हैं कैसा आवाज़ है। ओके, सो दिस इज नॉट द बाइक्स वीडियो, दिस इज द शोरूम वीडियो। सो ज़्यादा बाइक्स की डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सो यस, दीज आर दी कलर। यहाँ पर दो है, आगे एक और बहुत खूबसूरत MT है जो मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाला है आपका FZS, ये वाला आपका अगेन वो जो सिल्वर मॉडल था वही वर्जन है ये R15, और ये लेटेस्ट एडिशन है वर्जन 4। यहाँ पर कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, यामाहा की ऑफिशियल मर्चेंडाइज यू कैन सी, दीज आर दी टी शर्ट्स, MT का डेडिकेटेड टी शर्ट्स यू कैन गेट हियर, द जैकेट्स, द राइडिंग जैकेट्स, सारी की सारी प्राइजेस भी यहाँ पर मैंशन है। ये वाला जो जैकेट है ये आपको कुछ 2000 के आसपास में पड़ेगा, 2000 से लेके कुछ 10000 तक के जैकेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये डेडिकेटेड टू योर मोटरसाइकिल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग द MT, सो यहाँ पर MT के लोगो वाला भी जैकेट है, यहाँ पर यामाहा के ऑफिशियल जैकेट्स भी है। सो यस, ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है फ्रॉम द ब्रांड ओनली, राइट। ये वेटिंग लॉन्च है, यहाँ पर आप आराम से बैठ के अपना डिटेल वगैरह सब निकाल सकते हो बाइक्स के बारे में, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी। अगेन, सो वी आर बैक टू द बाइक्स अगेन। दिस इज द R15 मैट ब्लैक एडिशन, वन ऑफ माई फेवरेट बाइक। हियर वी हैव द FZS, दिस इज द FZX, राइट। सो S और X में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर्स का फ़र्क है, और इसको थोड़ा सा ऑफ रोड के लिए कैपेबल किया गया है। एज यू कैन सी दिस इज द राउंड लाइट एंड द सस्पेंशन कवर्स एंड ऑल। सो यस, दिस इज बेसिकली फॉर काइंड ऑफ अ डर्ट रोड्स, राइट, विलेज रोड्स एंड ऑल। सो यस, दिस इज द अर्बन मोटरसाइकिल, वी कैन से दैट। Yeah, this is the reception, this is the display, as you can see, Yamaha Racing. This showroom vibe of Blue Square is so good that you will feel like you are looking at some premium location. So here you will get the MT station, I would say MT station, because here you will get all the color options, all the variants available in MT, they will see all of them. Here is the color options of the tank. So we have the pearl white kind of gray, nardo gray. These are the blue and full black color. उसके अलावा यहाँ पर आपके alloy के colors भी मिल जाएंगे। I guess you can customize it.
सो ये वाला जो MT है दिस इज दी आर्मी ग्रीन ऑलिव ग्रीन काइंड ऑफ अ बाइक एंड द अलॉय इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल द ग्रीन कलर जो हमारे लोगों का भी यही वाला ग्रीन है शायद सो यस दिस इज सो गुड लुकिंग मोटरसाइकिल यहाँ पर द क्रोम FZX का रैक है तो ये थोड़ा सा लोड किया गया है बाइक विद द यामाहा एक्सेसरीज ओनली सो दिस इज आई कैन से दिस इज द टू रेडी मोटरसाइकिल यू विल गेट द टैंक बैग हियर दिस इज योर बैग ये पीछे भी माउंट हो सकता है आप भी इसको कैरी कर सकते हो यहाँ पे जैकेट है हेलमेट है ग्लव्स है फॉर दिस बाइक ओनली राइट बैग्स भी मिल जाएंगे सो ये वाले ग्लव्स काफ़ी मज़ेदार है यामाहा के फुल लेदर ग्लव्स है सो यस दिस बाइक इज राइड रेडी आई कैन से दैट एंड द क्रोम फिनिश लुक्स गुड आई डोंट लाइक क्रोम मोटरसाइकिल्स बट यस दिस बाइक लुक्स रियली गुड इन क्रोम ओके सो यस दिस इज अ स्पेशल सेक्शन द लुब्रिकेंट्स द लूब चेन क्लीनर्स एंड एवरीथिंग फॉर योर OEM पार्ट्स योर इंजन मेंटेनेंस पार्ट्स मेनली तो मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी यामाहा के बारे में अगर आपको नहीं बता दूँ मैं बता दूँ कि यामाहा इज़ वेरी फेमस फॉर लुब्रिकेंट एज वेल तो यामाहा के खुद के ऑयल वगैरह भी आते हैं तो ये सारे जो है वो यामाहा के खुद के ऑयल्स हैं जो आप इनकी बाइक्स में यूज़ कर सकते हो यहाँ पर कुछ पार्ट्स है कुछ एसेसरीज है सो LED फ्लैशर्स हो गए और ये भी कुछ चीज़ें यू कैन सी तो टैंक पैड्स भी आपको मिल जाएंगे ये MT का लोगो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ आपको ब्लू स्क्वायर पे ही देखने को मिलेंगी ये एक एक्सक्लूसिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है कुछ कलर ऑप्शंस भी है मोटरसाइकिल्स के जो भी आपको सिर्फ ब्लू स्क्वायर पे ही देखने को मिलेंगे सो ये सारी की सारी एक्सक्लूसिविटी इन द ब्लू स्क्वायर शोरूम यू गेट सो ये जितने भी लुब्रिकेंट्स हो गई एक्सेसरीज हो गई या फिर मैं गियर्स की बात करूँ या फिर ये इस तरह के रैक्स हो गए तो सारे के सारे सिर्फ ब्लू स्क्वायर में मिलेंगे हियर हम घूमते घूमते आ चुके हैं स्कूटर सेक्शन में सो दिस इज़ दी ZR दिस इज वेरी अमेजिंग एंड रे ZR द स्पोर्टी काइंड ऑफ अ स्कूटर और इसको थोड़ा सा यामाहा R15 वाला लुक कलर वगैरह दिया गया है तो दिस इज़ वेरी स्पोर्टी स्कूटर 125cc के इंजन के साथ आता है कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो Ntorq हो गया आपका या फिर Activa 125 हो गया Axis 125 तो इस सेगमेंट का आप मोटरसाइकिल ये आप स्कूटर गिन सकते हो बट दिस इज मोर स्पोर्टियर साइड राइट इसमें कलर ऑप्शन है यू विल गेट दिस अमेजिंग पॉल वाइट काइंड ऑफ फिनिश द मैट वाइट लुक सो गुड अगर रियल में आप देखते हो तो आपको पता चलता ये कलर मेरे को तो पसंद आया मस्त कलर एकदम सो ये मैट काइंड ऑफ कलर है और ये ऊपर वाला जो कलर है ना थोड़ा सा आगे नज़दीक लाओ इसको दिखाओ यार ये जो कलर है ये अलग से ही लुक दिख के आता है मतलब रियली गुड और यहाँ पर आपको रे ZR लिखा हुआ मिल रहा है सी दिस इज सो गुड सो या दैट्स दी स्पोर्ट स्कूटर इन द यामाहा लाइनअप एंड हियर यू विल गेट दिस रे ZR अगेन द मैट ब्लू कलर जो कि FZ में मिलता है आपको सो ये तीन मोटरसाइकिल्स आप समझो इन तीनों को ही अडोप्ट किया गया दिस इज दी R15 दिस इज योर MT दिस इज योर FZ सो इन तीनों के कलर्स को अडोप्ट करके इनको दिया गया है अगेन वी हैव द MT यहाँ पर टेक्सचर जो डिज़ाइन है वो MT का यहाँ पर दिया गया है सो यस ब्लैक रे ZR द MT एडिशन यू कैन से दैट द MT एडिशन सो वी हैव द लग्जरी स्कूटर्स एज वेल द फसिनो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फसिनो इज नोन फॉर देयर कैंडी कलर्स एंड द गुड लुकिंग क्लासिक काइंड ऑफ अ स्कूटर सो यस क्रोम फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इन सब स्कूटर्स में क्रोम फिनिशिंग नहीं है बिकॉज दिस आर द स्पोर्ट्स स्कूटर्स दिस इज द क्लासिक रेट्रो लुकिंग एंड डे टू डे वर्किंग स्कूटर काइंड ऑफ स्टफ तो यहाँ पे काफ़ी कैंडी कलर्स आपको ऑप्शन में मिलते हैं स्पेसिफिकेशन शीट्स आपको सिर्फ ब्लू स्क्वायर शोरूम पे ही देखने को मिलेगी जहाँ पे ऊपर सब कुछ लिखा गया है सो दैट्स वन अमेजिंग पार्ट अच्छा एक और चीज़ अगर इनमें से कोई भी व्हीकल इफ़ यू वॉन्ट टू बाय और प्राइस को लेकर कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस शोरूम की सारी की सारी डिटेल विद कॉन्टैक्ट डिटेल एंड सब कुछ मैं डाल दूंगा आप बिंदास कॉल करके परेशान कर सकते हो फॉर प्राइसिंग एंड ऑल इवन यू कैन कमेंट डाउन कि कौन से व्हीकल का आपको डिटेल प्राइस चाहिए अहमदाबाद एक्स शोरूम प्राइस सो यस वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा तो ये शोरूम अहमदाबाद में ये ध्यान रखना ओके सो वन मोर फसिनो विद द मैट ब्लू कलर एंड दिस इज वन ऑफ माई स्कूटर कम दिस साइड यस दिस इज द एरोक्स 155 राइट जिनको भी नहीं पता है इस स्कूटर के बारे में बता दूँ इस सेगमेंट को कहते हैं मैक्सी स्कूटर अगर मैं इस स्पेसिफिक व्हीकल की बात करूँ तो इट हैज़ द सेम इंजन जो कि आप यूज़ करते हो इन R15 सेम फिगर्स है सेम इंजन है सिटिंग का थोड़ा सा फर्क है कंफर्ट R15 से ज़्यादा मिलेगा बिकॉज दिस इज द स्कूटर
और राइड के लिए मैं मानता हूँ कि दिस इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कूटर यू एवर राइड, क्योंकि एक तो 155 सीसी का इंजन मिलता है, वो भी अच्छा खासा टॉर्क पावर के साथ, एंड यू कैन सी द टायर्स, टायर्स इज सो बिग, तो आप काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हाईवे पे इस पर टूरिंग कर सकते हो, और काफ़ी सारे राइडर्स इस तरह के स्कूटर्स यूज़ करते हैं। सो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं अबाउट द एरोक्स, उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट द स्कूटर ओनली। एरोक्स में काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, बट एक चीज़ आप दिमाग में डाल दो, एरोक्स बेसिकली इज द R15 इन द स्कूटर फॉर्म, तो जितने भी कलर्स वगैरह आपको मिलेंगे वो R15 से इंस्पायर्ड मिलेंगे। जैसे ये आपका नार्डो ग्रे काइंड ऑफ अ कलर है, यहाँ पर जो एरोक्स आप देख रहे हो दिस इज द सिल्वर वन, सो आपने ये कलर का R15 भी ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द यामाहा राइट नाउ इज कि यामाहा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है इन द कलर्स ऑफ देयर व्हीकल, राइट, R15 ले लो, आप फसिनो ले लो, आप ZR ले लो, एरोक्स ले लो, तो काफ़ी कैंडी कलर्स वो लॉन्च कर रहे हैं। पिंक कलर का R15 आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, जो पिंक एलॉय वाला था, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, पर काफ़ी क्यूट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे यू कैन सी द वाइट एंड द ऑरेंज एलॉय वाला R15, एंड ये R15 वी कैन नॉट मिस, version 4 R15। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि R15 की जो लेजेसी है ना वो इस कलर से है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इंडिया में जब पहला R15 लॉन्च हुआ था ना, द version 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इस कलर में आया था, और ये कलर में इतना ट्रेंड हुआ था वो बाइक कि यामाहा का रेपो बढ़ा दिया था उसने। सो यस, दिस इज द सेम version 1 वाला R15 का कलर। सो या दैट्स दी ब्लू स्क्वायर शोरूम ओवरऑल, और दैट्स इट आई गेस, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो सून वी आर प्लानिंग फॉर द डिटेल वीडियो ऑफ दिस अमेजिंग स्कूटर एरोक्स, एंड आई होप कि आपको ये वाला जो टूर है वो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी टूर्स हम लाने की कोशिश करेंगे, अहमदाबाद के काफ़ी सारे शोरूम्स को हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर यू गाइस। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। सो जब भी आप एक मोटरसाइकिल बाय करते हो, एक सेकंड होल्ड, अरे यार फरी ले।